नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 1 से 15 जून 2020, मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी MCQ प्रैक्टिस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस विश्वविद्यालय स्थापना दिवस पर 5 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, यानी किया गया है, क्योंकि यह वीडियो आपका 1 से 15 जून तक का है। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के द्वारा 5 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। राज्यपाल लालजी टंडन ने पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के तृतीय स्थापना दिवस पर 5 दिवसीय वेबिनार का जो शुभारंभ किया है वो 1 जून 2020 को किया है। और अभी वर्तमान में पंडित SN शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति की बात करें तो प्रोफेसर मुकेश तिवारी यहाँ के कुलपति हैं। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय आपका शहडोल में स्थित है। मध्य प्रदेश में मत्स्य प्रजनन काल दौरान मत्स्येट निषेध कब से कब तक रहेगा, यानी मछलियों को मारना कब से कब तक निषेध रहेगा सरकारी आदेश के अनुसार? 16 जून से 15 अगस्त तक। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश फिशरीज एक्ट के तहत मत्स्य प्रजनन काल 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक प्रदेश के निर्दिष्ट जलों, नदियों और जलाशयों पर मत्स्य खेत निषेध रहेगा। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा 1,11,00,000 बिजली उपभोक्ताओं को कितने करोड़ रुपए की राहत का आदेश जारी किया गया है? ये कुल उपभोक्ता हैं आपके 1,11,00,000। इसमें 1,150 करोड़ रुपए का राहत आदेश जारी किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रुपये या उससे कम आए हैं, मई जून जुलाई में 100 रुपये से कम आएंगे, उनसे मई जून जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रुपये महीने का भुगतान लिया जाएगा। बात समझिए, इसमें पहला पॉइंट है आपका कि यदि 100 रुपये से कम आते हैं आपके जुलाई तक की राशि में तो सिर्फ 50 रुपये महीने का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 63,00,000 हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इसमें और भी प्रावधान किए गए हैं मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा, जिसमें ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रुपए से कम आए थे किंतु मई जून और जुलाई माह में 100 रुपए से अधिक परंतु 100 रुपए से कम आए हैं, यानी 100 रुपए से अधिक होंगे और ये 400 रुपए से कम होंगे ऐसा, तो उसमें मई जून जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर केवल 100 रुपये दिया जाएगा, मतलब 100 रुपये प्रति माह जमा कर सकते हैं। इस निर्णय से लगभग 28,00,000 हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपए का लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम के प्रारूप परीक्षण और अभिमत के लिए अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? जो हमारे मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम है उसका प्रारूप का परीक्षण और अभिमत के लिए अपर मुख्य सचिव श्रम राजेश राजौरा की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत निर्मित प्रारूप नियमों का परीक्षण और अभिमत दिए जाने के अपर मुख्य सचिव श्रम राजेश राजौरा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। दोस्तों, जो भी हमारे MP करंट अफेयर्स के वीडियो हैं अब आपको डेली प्राप्त होंगे 21 जुलाई से। हम जो अगला आपका वीडियो होगा वो 16 से 20 जून का होगा और फिर आपके 21 से ये 30 जून का, और फिर हम बना देंगे आपका 1 से 20 जुलाई तक का। हम आपको MP करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों, किसी कारण से हम बहुत दिनों से अपलोड नहीं कर पाए वीडियोस के लिए बहुत ही खेद है। महिला बाल विकास द्वारा फोन इन हेलो आंगनबाड़ी कार्यक्रम आयोजन कब किया गया है? ये महिला बाल विकास द्वारा फोन इन आंगनबाड़ी कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है वह 3 जून 2020
2020 को किया गया है। मुख्य सचिव महिला बाल विकास अशोक सहाय 3 जून 2020 को 10 से 11 बजे के मध्य सजीव फोन इन हेलो आंगनबाड़ी कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी बात की। स्कूल शिक्षा विभाग के ई बुलेटिन अब पढ़ाई नहीं रुकेगी का विमोचन कब किया गया है? स्कूल शिक्षा विभाग के ई बुलेटिन है अब पढ़ाई नहीं रुकेगी का विमोचन 4 जून 2020 को किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के ई बुलेटिन अब पढ़ाई नहीं रुकेगी का विमोचन 4 जून 2020 को मंत्रालय में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शर्मा ने समी ने किया। आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र के जो है वो लोकेश जाटव है, जो पहले इंदौर कलेक्टर थे, अब आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र है लोकेश जाटव। ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल एंड द कन्वर्जन पर वेबिनार का आयोजन कब किया गया है? ये कोरोना काल में वेबिनार का चलन बहुत बढ़ गया है। 5 जून 2020 को इस प्रकार के वेबिनार का आयोजन किया गया है। पर्यावरण दिवस 5 जून पर भोपाल में एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल एंड द कन्वर्जन पर जनसंपर्क विभाग के सहयोग से किया गया है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि MPCEIAA की फुल फॉर्म क्या है? MPCEIA जिसे बोलते हैं, ये आपकी MP स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, ये इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण मध्य प्रदेश MPCEIA मध्य प्रदेश स्टेट एडवाइसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन राकेश श्रीवास्तव हैं अभी वर्तमान में। वर्ष 2020 में तेंदुपत्ता संग्रहण कितने लाख मानक बोरा लक्ष्य निर्धारित किया गया था? ये वर्ष 2020 में तेंदुपत्ता संग्रहण ये 16.29 लाख का इतने लाख मानक बोरा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व पर्यावरण दिवस की जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित थीम टाइम फॉर नेचर के दृष्टिगत कार्यक्रमों का ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजन प्रदेश में कहाँ हुआ? ये हुआ है सभी जिलों में हुआ है इसका, यानी आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ये टाइम फॉर नेचर के दृष्टिगत कार्यक्रम को देखते हुए मध्य प्रदेश के समस्त दुग्ध उत्पादकों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC प्रदाय करने का अभियान कब तक चलाया जाएगा? यानी जो मध्य प्रदेश के समस्त दुग्ध उत्पादक हैं उनको क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक अभियान चलाया जा रहा है, यानी चलाया गया है और चलाया जा रहा है। KCC के अंतर्गत ऋण पर किसानों को 2% की छूट और समय पर भुगतान करने पर 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 1 जून 2020 से इस अभियान का प्रारंभ किया गया है, यानी 2 माह के लिए यह अभियान वितरित, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड KCC वितरित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1,60,000 तक की सीमा तक की राशि का बिना गारंटी के क्रेडिट कार्ड पर ली जा सकती है। ध्यान रखिए, 1,60,000 रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है बिना किसी गारंटी के, और दुग्ध उत्पादक किसानों द्वारा दुग्ध संघों को सीधा दुग्ध प्रदाय करने पर यह सीमा बिना गारंटी पर 3 लाख रुपए होगी। दोस्तों, ये दुग्ध उत्पादकों की बात करें तो ये दुग्ध संघों को सीधा दुग्ध प्रदाय करने पर यह सीमा बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक रहेगी। ब्याज की छूट 3 लाख रुपए की सीमा तक ही रहने वाली है। मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में अभी इसका आंकड़े और जारी हुए हैं, इसके 4th स्थान पर है मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में। मध्य प्रदेश के किस जिले में धनकसा और शारदा भूमिगत कोयला खदानों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जून 2020 को ऑनलाइन शुभारंभ किया? धनकसा और शारदा भूमिगत कोयला खदानों को, ये छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं हम। ये आप ध्यान रखें कि धनकसा और शारदा भूमिगत जो कोयला खदानें हैं वो छिंदवाड़ा में हैं, और इसका इस प्रकार का पहला शुभारंभ जो किया गया है वो 6 जून 2020 को किया गया, मतलब इसमें भूमिगत कोयला खदानों का। मध्य प्रदेश में वार्षिक कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में वार्षिक जो कोयले का उत्पादन होता है वह 239 मिलियन टन लगभग कोयले का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सालाना 239 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है, जिसमें प्रदेश के 2,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में छिंदवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली में कोल इंडिया लिमिटेड कोयला खनन का कार्य करता है।
मध्य प्रदेश में वेस्टर्न कोलफील्ड की 56 खदानों में से 23 भूमिगत हैं और 23 ओपन हैं, ध्यान दीजिए। इसमें कुल 16 खदानें मध्य प्रदेश में संचालित हैं जो मुख्यतः छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में स्थित हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना का शुभारंभ कब किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना का जो शुभारंभ किया गया है वो 6 जून 2020 को किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जून 2020 को मंत्रालय से शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना एवं शहरी पथ विक्रेता पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, माने किया है। और इसमें हम बात करेंगे यही योजना में, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायियों को 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा, जिसमें से 7% ब्याज अनुदान सहायता केंद्र सरकार देगी। इसमें ये जो योजना प्रारंभ की गई है प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत, यही इसी के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश ने जो योजना शुरू की है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसी के साथ शहरी पथ व्यवसायिक उत्थान योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत शेष ब्याज की राशि जो लगभग 5% होगी वो राज्य सरकार भरेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार हितग्राही के 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा, इसकी गारंटी सरकार देगी। ये दो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है आपकी शहरी पथ व्यवसायिक उत्थान योजना में। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र और बान्या सामुदायिक रेडियो के सहयोग से स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम किस क्षेत्र विशेष के लिए है? ये जो है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश की आदिम जाति क्षेत्रों के लिए है। इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा, संपूर्ण मध्य प्रदेश की आदिम जाति क्षेत्रों के लिए है। अब बान्या सामुदायिक रेडियो के माध्यम से भावरा जिला अलीराजपुर भीली, खालसा जिला खंडवा कोरकू, नालछा जिला धार भीली, मेघ नगर जिला झाबुआ भीली, सेसईपुरा जिला शिवपुर सहारिया के लिए, चचौली जिला बैतूल गोंडी, तामिया जिला छिंदवाड़ा, ये तो फेमस है तामिया, भारिया भारिया जनजाति के लिए, चाड़ा जिला डिंडोरी बेगानी जाति के लिए। ये ध्यान दीजिए, ये चाड़ा जो डिंडोरी में है, जो ज़्यादा जनजाति बेगानी जनजाति के लोग हैं वो डिंडोरी में मतलब फेमस हैं। और सोमवार से शनिवार रोजाना प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक रेडियो स्कूल कार्यक्रम का प्रसारित किया जाएगा, जो केवल और केवल आदिम जाति के लिए केंद्रित होगा। मध्य प्रदेश में कितने माह से कितने वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार वितरित किया जा रहा है? ये जो वितरित किया जा रहा है वो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार वितरित किया जा रहा है, वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जन गेहूं का 33% मध्य प्रदेश में उपार्जन किया जा रहा है। पिछले वर्ष किए गए उपार्जन से बढ़कर 100 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और प्रदेश सरकार ने गेहूं का 129 लाख मैट्रिक टन से अधिक का रिकॉर्ड तोड़ उपार्जन में देश में पहला स्थान पाया है, जो कि पंजाब को छोड़कर पाया है 129 लाख मैट्रिक टन। और पिछले वर्ष के उपार्जन को बढ़ाकर 100 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कोरोना की इस लड़ाई में शहीद हुए करमवीर योद्धाओं के परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में कितने लाख रुपए की राशि गृह विभाग द्वारा प्रदान की गई है? ये कोरोना की लड़ाई में शहीद हुए करमवीर योद्धाओं के लिए 50 लाख रुपए की राशि जो है वो मध्य प्रदेश के गृह विभाग द्वारा प्रदान की गई है। कोविड 19 की लड़ाई में सराहनीय सेवा देने वाले पुलिस और होमगार्ड के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को करमवीर योद्धा पदक से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक शस्त्र लाइसेंसधारी अब कितने से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं रख सकेगा, यानी लाइसेंस नहीं बनाए जाएंगे ना ही वो शस्त्र रख सकेगा, तो 2 से अधिक, एक लाइसेंस पे आपको 2 ही बंदूक खरीदी जा सकती हैं, यानी शस्त्र खरीदे जा सकते हैं। शस्त्र लाइसेंसधारी अब 2 से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे। उनके पास अगर तीसरा शस्त्र है तो उसे नियमानुसार 13 दिसंबर 2020 तक जमा कराना होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब प्रारंभ की?
वन राशन कार्ड योजना जो प्रारंभ की है वो 9 जून 2020 को प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 जून 2020 को मंत्रालय से बीसी के माध्यम से मध्य प्रदेश में वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की है। योजना के अंतर्गत अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित सभी पात्र परिवारों को उनके निवास के नजदीक की दुकान से ही बायोमेट्रिक्स के आधार पर 21 राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य का राशन मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को अन्य राज्यों में एवं अन्य राज्यों के पात्र हितग्राहियों को मध्य प्रदेश में गेहूं 2 रुपए किलो, चावल 3 रुपए किलो, मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होगा। महिला हिंसा की रोकथाम पर सजीव फोन इन कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया है? ये महिला हिंसा रोकथाम पर सजीव फोन इन कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया है वो 10 जून 2020 को किया गया है। संचालक महिला बाल विकास ये श्रीमती स्वाति मीणा नायक 10 जून 2020 को सुबह 10 से 11 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम में महिला हिंसा की रोकथाम और महिला हेल्पलाइन 121 विषय के प्रश्नों का जवाब भी दिया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली प्रयास का प्रचालन कब से शुरू करने का निर्णय लिया है? ये मध्य क्षेत्र की जो विद्युत कंपनी है उसके द्वारा आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली ये प्रयास का जो प्रचलन प्रारंभ किया गया है वह 10 जून 2020 से प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के स्वामित्व की नर्मदा बेसन प्रोजेक्ट कंपनी और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन नई दिल्ली के मध्य किस लिए और कितने हजार करोड़ रुपए का MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं? ये है आपका मध्य प्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का AOU हस्ताक्षरित किए गए हैं, वो भी किसके? नर्मदा बेसन प्रोजेक्ट कंपनी और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन नई दिल्ली के मध्य। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की किस विद्युत कंपनी ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की ये मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ये मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा निष्ठा विद्युत मित्र योजना प्रारंभ की है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निष्ठा विद्युत क्षेत्र मित्र योजना शुरू की गई। यह योजना कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में लागू कर दी गई है। ये निष्ठा विद्युत मित्र योजना के बारे में जानते हैं हम, इसकी प्रोत्साहन राशि के बारे में जानते हैं। अर्धवार्षिक गणना के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं सहायता समूह द्वारा अधिक वसूली गई राशि पर 15% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नवीन सिंगल फेज कनेक्शन जारी करवाने के लिए 50 रुपए प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। थ्री फेज सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करवाने के लिए 200 रुपए प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अन्य थ्री फेज कनेक्शन राशि जारी करवाने पर 100 रुपए प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि सिंचाई पंप को छोड़कर दी जाएगी। जो भी ये बस इसका मतलब ये है कि भाई कनेक्शन कराओ बिजली के, और चाहे वो थ्री फेज हो और भी जो भी इसमें प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। बिजली चोरी की सूचना देने पर, प्रकरण सही पाए जाने पर और बिजली राशि प्राप्त होने पर 10% राशि की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। 15वें वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP बनाने एवं भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने में मध्य प्रदेश पूरे देश में कौन से स्थान पर है? ये 15वें वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP बनाने एवं भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, अभी वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये 13.52 लाख लोगों यानी ये ग्रामीण घरों की बात है। और जल जीवन परिवर्तन मिशन के तहत प्रदेश में 2023-24 तक सभी 1.21 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का जो है वो लक्ष्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बातें। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता ने मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है भारत सरकार द्वारा 1,280 करोड़ रुपए की जो है राशि दी गई है जल जीवन
मिशन के क्रियान्वयन के लिए यह राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत की गई है। इस राशि से 26.27 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन देने की कार्य योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। वन क्षेत्रों में बांस रोपण परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में कितने जिलों के 1100 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस रोपण किया जाएगा? तो ये जो वन क्षेत्रों में बांस रोपण परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में ये पांच जिलों में 1100 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस रोपण किया जाएगा। ऑनलाइन अलोहा कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया गया है? ऑनलाइन अलोहा कार्यक्रम ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान द्वारा। इसका आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। एक खुशहाल और परिपूर्ण जीवन जीने के पीछे के वैज्ञानिक आधार को समझते हुए राज्य आनंद संस्थान द्वारा ऑनलाइन अलोहा कार्यक्रम संचालित किया गया है। समुदाय आधारित सर्विलेंस सिस्टम का प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा किया गया है? समुदाय आधारित सर्विलेंस सिस्टम का प्रस्तुतिकरण जो किया गया है वह स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वो प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा समुदाय आधारित सर्विलेंस सिस्टम का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसके अंतर्गत नागरिकों को सुविधा के लिए सार्थक लाइट ऐप और तथा कोविड मित्र बनाए जा सकते हैं और समुदाय आधारित सर्विलेंस सिस्टम का प्रेजेंटेशन दिया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। हम बात करेंगे जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 संशोधित 2018 की लागू होने की तिथि क्या है? तो ये वीडियो पिछले वीडियो में पूछा गया था, ये है 25 सितंबर 2018 को ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 को संशोधित किया गया है 2018 में। तो ये प्रकार जो ये लागू होने की तिथि है वो 25 सितंबर 2018 है। हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन की जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ है? तो आपको बताना है पगारा नहर, बैनगंगा नहर, रामगंगा नहर, संगम लाल नहर। इसमें से एक आंसर आपका सही है जिसका आंसर आपको कमेंट के जरिए बताना है दोस्तों। और हम आपको बता दें कि आपको लिंक इसकी मिल जाएगी MCQ प्रैक्टिस करने के लिए, PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों। और हम काफ़ी दिनों से ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, इसके लिए दोस्तों ये खेद है। और हम MP डेली करंट अफेयर जैसे पहले चलती थी ऐसे ही चलेगी, अच्छी तैयारी हम करवाएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों हमारे यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।